नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों वो फिल्म ऊंचाई बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके बारे में लगातार मैं आपको अपने दूसरे चैनल पर जानकारी दे रहा हूँ कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किस प्रकार कर रहा है। तो दोस्तों शुरुआती 3 दिनों में ही 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा का कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी थी और दोस्तों अभी भी ये फिल्म लगातार अच्छा कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर कर रही है और 5 दिनों का इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। 35 करोड़ फिल्म का बजट है तो फिल्म डेफिनेटली हिट होने की ओर अग्रसर है। लेकिन आज का वीडियो मैंने ऊंचाई फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में नहीं बनाया है। अगर आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में लगातार जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा जो दूसरा चैनल जो राजेश कुमार शर्मा के नाम से है वो लगातार देख सकते हैं। वो आपको ऊंचाई फिल्म से तमाम लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाले है। दोस्तों फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ऊंचाई फिल्म का कल एक गाना रिलीज किया गया था जिसका जो टाइटल है वो सवेरा है। तो इसके बारे में है ये कि गाना जो रिलीज किया गया है किस प्रकार का ये सॉन्ग है, किसको मतलब किस प्रकार से गाया गया है, किस प्रकार से बोल लिखे गए और कितना ये मधुर गाना है, इसके बारे में आज का वीडियो है। दरअसल दोस्तों जो सवेरा सॉन्ग है इसको इरशाद कामिल ने लिखा है और दोस्तों अमित त्रिवेदी का बेहद ही मधुर संगीत यहाँ पर आपको इस गाने में सुनने को मिलता है। और जहां तक इसके सिंगर की बात करें तो इस गाने को गाया है जावेद अली है, यहाँ पे दीपाली साठे है और दोस्तों मधुवंती बागीची इन्होंने ये गाना गाया है। और काफी अलग आवाज इनकी है, अलग तरह से एक सॉन्ग है और काफी एक प्रेरित करने वाला मोटिवेशनल सॉन्ग है कि सवेरा आपको कहाँ लेके जाने वाला है, सवेरा आ गया है, आपको अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, आपको अपनी मंजिल पाना है। दरअसल दोस्तों ये तीनों दोस्त जिस प्रकार से अपने दिवंगत दोस्त जैसे कि डेनी की इसमें मृत्यु हो जाती है और उनकी इच्छा थी कि माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ाई करना चाहते थे, वहां जाना चाहते थे, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए किस प्रकार से तीन दोस्त अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर तथा बोमन ईरानी अपनी यात्रा पर निकलते हैं। ये इससे प्रेरित ये गाना है कि जिंदगी एक यात्रा है, एक संघर्ष, आपको निरंतर चलते जाना है और सवेरा हो गया है तो लगातार आपको चल करके अपनी मंजिल को पा लेना है। इस तरह का एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायी ये सॉन्ग है, मधुर सॉन्ग है, काफी अच्छा लगता है सुनने में। और दोस्तों जिस प्रकार से इसका पिक्चराइजेशन दिखाया गया है लगता है कि स्टोरी के साथ साथ ये गाना चलता है तो स्टोरी को आगे ही बढ़ाता है ये गाना, स्टोरी में कहीं रुकावट पैदा नहीं करता है। अमिताभ बच्चन यहाँ पर गाने में नजर आ रहे हैं, कार में बैठे हुए हैं, साथ में वो बोमन ईरानी, अनुपम खेर है, नीना गुप्ता है और दोस्तों किस प्रकार से वे अपनी यात्रा कम्प्लीट करते हैं, किस प्रकार से रास्ते में रुकते हैं, वहाँ पे गोलगप्पे खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी में कार्ड्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ताजमहल का भी एक दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे अमिताभ बच्चन ताजमहल के सामने खड़े हुए हैं। तो कई तरह के मतलब इसमें मधुर, मतलब के जैसे जितने मधुर गाने के बोल लो उतने ही शानदार इसमें दृश्य भी है, विजुअलाइज भी बहुत ही अच्छे है और अंत में जो माउंट एवरेस्ट में ट्रैकिंग करते हुए भी एक दृश्य दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर के गाना काफी अच्छा है, मोटिवेशनल गाना है। राज सिरी की फिल्मों का वैसे भी संगीत बहुत ही मधुर होता है तो यहाँ पर भी आपको काफी मेलोडियस संगीत सुनने को मिलता है। तो दोस्तों मुझे ये गाना काफी अच्छा लगा, अगर आपने नहीं सुना तो आप जरूर सुन लीजिएगा। वैसे भी ऊंचाई फिल्म के बाकी तीनों गाने काफी बड़े हिट हो चुके हैं, चाहे वो केटिको सॉन्ग हो या अरे ओ अंकल वाला सॉन्ग हो, सभी गाने पसंद किए जा रहे हैं। और राजश्री की विशेषता होती है कि उनकी फिल्मों का संगीत बहुत ही मधुर होता है तो यहाँ पर फिर से अमित त्रिवेदी ने बहुत ही अच्छा संगीत फिल्म में दिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।